वेलकम टू अनदर वीडियो। आज ये एक व्लॉग नहीं है, इट्स मोर ऑफ लाइक एन इंफॉर्मेशनल वीडियो। सो बेसिकली मेरे को एक कमेंट आया था और बहुत जनों ने मेरे को पूछा है कि लाइक हाउ डू यू अप्लाई टू अ यूके यूनिवर्सिटी फॉर योर मास्टर्स। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टुडे, सो दिस इज द वीडियो। एनीवेज, तो ये एक ऐसा सिट डाउन वीडियो होगा, थोड़ा बोरिंग टाइप्स का, बट अगर किसी को इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए सो आई गेस आई विल हेल्प एज मच एज आई कैन। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद। सो आई विल बी डिवाइडिंग द वीडियो इंटू टू पार्ट्स। सो पहले पार्ट में आई विल डिस्कस की हाउ टू शॉर्ट लिस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब कैसे कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर करने का क्या क्या एस्पेक्ट्स है, क्या क्या चीज़ें सोचना पड़ता है। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूके में यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करना, इट्स आई नो इट्स अ वेरी यू नो डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आपको डिसाइड करना है कि आपको रसल ग्रुप चाहिए या नहीं चाहिए, आपको लंदन में चाहिए या बाहर चाहिए। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कंसिडर बिफोर यू चूज एन यूनिवर्सिटी, जिनको आई गेस रसल ग्रुप के बारे में डाउट है। सो रसल ग्रुप इज़ लाइक अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज, जैसे US में आईवी लीग होता है, राइट? तो वैसे UK में रसल ग्रुप है, इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द UK। सो यू कैन कंसिडर लाइक ज्वाइनिंग अ रसल ग्रुप, या तो आप नॉर्मल भी करो, डजेंट मैटर, इट्स टोटली अप टू यू आपको क्या यूनिवर्सिटी चूज करना है। बट सो आई विल टेक लाइक सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप कंसिडर करें। पहला इज द प्लेस। सो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप एक बजट में हो, तो आई वुड सजेस्ट कि कंसिडर अ यूनिवर्सिटी विच इज़ नॉट इन लंडन, विच इज़ द लाइक आउटस्कर्ट्स ऑफ लंडन। सो वो कंपेरेटिवली चीप होगा, क्योंकि आपको वीज़ा के लिए एक लिविंग कॉस्ट दिखाना पड़ता है। ऑल्सो सिर्फ दिखाना नहीं, आप जो यूज़ भी करोगे, जो लिविंग कॉस्ट आपका पड़ेगा अभी, दैट विल बी वे मच हायर इन लंडन कम्पेयर टू द आउटस्कर्ट्स। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसिडर, अगर आपका बजट का इश्यू नहीं है, बट आपको लंडन में ही पढ़ाई करना है, देन ऑब्वियसली गो फॉर अ यूनिवर्सिटी इन द लंडन, इन लंडन, सॉरी। सो दैट्स वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज द प्राइजेस। वंस अगेन मैं उनको बोल रहा हूँ जो बजट को देख के रख रहे हैं, लाइक जो लोन ले रहे हैं या तो समथिंग लाइक दैट। सो ट्राई टू अवॉइड लंडन फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ट्राई टू अवॉइड द रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज, क्योंकि दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट्स द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज एकोमोडेशन। सो आप ट्राई टू फाइंड अ यूनिवर्सिटी जो खुद एकोमोडेशंस प्रोवाइड करता हो। सो ऑल्दो वो थोड़े हायर एंड, मतलब थोड़ा महंगा हो सकता है कंपेयर टू द आउटस्कर्ट्स, बट आप सेफ रहोगे, आपको फिर एकोमोडेशन ढूंढने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन में रह सकते हो। और एक चीज़ जो बहुत लोग करते हैं, दैट इज़ पार्ट टाइम्स। सो पार्ट टाइम्स भी आपको ऐसा ऐसा जगह देखना है जहाँ पार्ट टाइम्स आपको ज़्यादा मिल सके, यू नो। सो दैट इज़ वन मोर थिंग टू कंसिडर। एंड लास्ट इज़ द फ्यूचर स्कोप। सो लाइक वंस यू फिनिश योर डिग्री, आपको 2 साल PSW मिलता है, वो टाइम में आपको एक ऐसा ट्राई करना, जगह ढूंढो जहाँ यू नो देयर आर गुड कंपनीज, सो दैट यू कैन यू नो लाइक वर्क देयर आफ्टर यू फिनिश योर डिग्री। सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर शॉर्ट लिस्टिंग अ यूनिवर्सिटी। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, वट आई सजेस्ट इज़ बहुत सारे इंटरनेशनल फेयर्स होते हैं इंडिया में, मुंबई में, मैं मुंबई का हूँ, सो आई नो दैट कि मुंबई में बहुत सारे ऐसे फेयर्स होते हैं वेर यू कैन गो, सारी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं वहाँ पे। सो आप चेकआउट कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, यू कैन आस्क देम एनी थिंग लाइक जो आपको जानना हो, एंड अकॉर्डिंगली आप एक ये शॉर्ट लिस्ट कीजिए यूनिवर्सिटीज, एक नहीं, आई वुड से कि शॉर्ट लिस्ट लाइक 5 और 6, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग टू दोज यूनिवर्सिटीज। ओके, सो लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको ज़रूरत पड़ेगा इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी। सो आपने समझ लो 5 6 यूनिवर्सिटीज शॉर्ट लिस्ट कर लिए, आपको पता है कि हाँ यही 6 यूनिवर्सिटीज में आई वॉन्ट टू अप्लाई। तो अभी लेट्स गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स वन बाई वन। सो द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द पासपोर्ट, उसके बिना तो आप फॉरेन भी नहीं जा पाओगे, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू वांट टू कंसिडर। सो ट्राई टू गेट दैट एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आपने नहीं बनाया हो तो वो पहले बना लेना। सेकेंड थिंग, आपने आफ्टर शॉर्ट लिस्ट, आप मतलब आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो सेकेंड थिंग वट आई वुड सजेस्ट इज गिव अ इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट, ठीक है? अभी इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट में आईएल्स, आपने सुना रहेगा, आईएल्स आता है, टॉफल आता है, डुओलिंगो आता है। सो आप ये पहले से दे के रख दो, क्योंकि लेट्स से आपको अगर सितंबर इंटेक एम करना है और आप नवंबर से
एक साल पहले से यू आर लाइक ट्राइंग टू अप्लाई और आपने शॉर्ट लिस्ट वगैरह कर लिए. सो अर्ली एप्लीकेशंस आर लाइक समझ लो इट्स ईजियर टू गेट इन थ्रू अर्ली एप्लीकेशन. सो आप एक इंग्लिश टेस्ट दे दो. सो इट्स आइदर डुओलिंगो या आईएलटीएस या मे बी टॉफल. सो ये आपने जो शॉर्ट लिस्ट किया है यूनिवर्सिटीज उनके वेबसाइट्स में जाके चेक कर लेना कि कौन सा यूनिवर्स मतलब कौन से टेस्ट दे एक्सेप्ट. यूजली आईएलटीएस हर जगह एक्सेप्टेड रहता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप आईएलटीएस दे दो और ट्राई टू गेट अबव 6.5 बैंड्स फॉर ऑब्वियसली योर रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटी. सो दैट्स द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट यू इज टू लुक फॉर स्कॉलरशिप्स. अगर आप ऑब्वियसली इवन इफ यू आर लाइक सेल्फ फंडिंग योर सेल्फ इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्कॉलरशिप राइट. सो आप जो यूनिवर्सिटीज चेक कर रहे हो ऑलवेज चेक कि उसमें कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड है कि नहीं. अगर है तो स्टार्टिंग में अप्लाई कर लो क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं जो बहुत चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले से अप्लाई वगैरह करके रख दो सो दैट आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा जल्दी एंड इट विल बी वे बेटर फॉर यू. ओके द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज ऑब्वियसली आपके सारे ट्रांसक्रिप्ट्स. सो उसमें आते हैं पहला 10th और 12th के मार्कशीट. दूसरा आपका आता है बैचलर्स के सारे मार्कशीट्स एंड द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट प्लस द डिग्री जो भी है आपके पास. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे मैं मेरे केस में था कि मैं डायरेक्टली आया था आफ्टर माई बैचलर्स सो आई डिंट गेट माई फाइनल जो डिग्री है. सो वट आई डिड इज आई गेव ऑल माई बैचलर्स के सारे स्टेटमेंट्स सारे सेमिस्टर्स के और जो फाइनल छोटा वाला आता है रेट पासिंग सर्टिफिकेट वो. सो या तो आप वो दे सकते हो या तो यू कैन गिव ओनली द डिग्री दैट्स टोटली अप टू यू एंड द यूनिवर्सिटी जो उनको डिमांडेड रहेगा अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट आपका होता है LOR विच इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज बेसिकली कि आप जो कोर्स में मतलब आपको जो कोर्स के लिए अप्लाई करना है उससे रिलेटेड आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना पड़ता है. एक एक्चुअली दो हाँ सो टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए. ये लेटर्स आप आपके क्या बोलते हैं टीचर्स से ले सकते हो प्रोफेसर से जो जिन्होंने आपको कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाया हो या तो आप आपके बॉस से ले सकते हो इफ़ यू आर लाइक वर्किंग एंड स्टफ. नेक्स्ट वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जिसके बेसिस में आप समझ लो आपका पूरा एप्लीकेशन डिपेंड करता है. द SOP स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो दैट इज़ बेसिकली लाइक एन एसे जहाँ पे आप पूरा लिटरली ईच एंड एवरी लाइन लिखते हो अबाउट योर सेल्फ अबाउट द यूनिवर्सिटी वाई डू वांट टू परस्यू अ कोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अकॉर्डिंगली आपको 1000 words तक का 1000 words डिपेंड्स ऑन बट मोस्टली 1000 words रहते हैं. सो 1000 words का आपको एक एसे लिखना पड़ता है यूजिंग विच वो डिटरमाइन करते हैं कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट. सो यू हैव गॉट अ फोकस ऑन द SOP वेरी मच. इफ़ यू गाइज वॉन्ट मैं एक मेरे SOP और मैंने कैसा बनाया अकॉर्डिंगली इफ़ यू गाइज वॉन्ट मैं एक टाल आई विल प्रॉब्ली मेक अ वीडियो ऑन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. सो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू गाइज वॉन्ट दैट. मेरे SOPs मैंने कैसे मैंने 6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किए थे और 6 के लिए मैंने अलग अलग SOPs बनाए थे एंड आई गॉट एक्सेप्टेड इन टू ऑल 6. सो आई वुड से कि SOPs में बहुत ज़्यादा फोकस करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी गॉट योर CV विच इज़ योर रेज्यूमे. सो दैट्स लाइक अ नॉर्मल डॉक्यूमेंट आई गेस मोस्टली सब ने बनाया रहेगा आफ्टर योर बैचलर्स और इफ़ यू वर्किंग तो आपके पास ऑलरेडी होगा. सो यू ऑल्सो गॉट अ सबमिट दैट. उसके बाद आपका आता है एक्सपीरियंस लेटर्स. सो एक्सपीरियंस लेटर्स आप बेसिकली अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के बाद अगर आप जा रहे हो तो आपके रेज्यूमे में यू हैव दैट गैप राइट वेयर यू वर वर्किंग. सो फॉर दैट ड्यूरेशन आपको उसका एक्सपीरियंस लेटर्स देना पड़ता है टू द यूनिवर्सिटी. लास्ट वन इज अ पोर्टफोलियो. सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू सम कोर्सेज जिस जैसे डिजाइन हो गया या समथिंग लाइक दैट जिसमें आपको आपका पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है. सो इन दैट केस यू ऑल्सो हैव टू सबमिट योर पोर्टफोलियो. सो दिस वॉज द वीडियो गाइज. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और हाउ यू शॉर्ट लिस्ट यूनिवर्सिटी. सो If you guys need any help regarding this, please feel free to contact me. Comment kar dena. Or I guess I have also added my Instagram ka link on my YouTube channel. So please DM me if you guys want. Or bhi kuch aise topics chahiye aapko, jiski information aapko chahiye. And if you want me to make a video on this, I'll do that. Everything's fresh for me. Main bhi naya aaya ho, so I can help you guys. Agar aap current intakes dekh rahe ho. और रीसेंट एक्सपीरियंसेस वगैरह चाहिए. सो आई कीप ऑन मेकिंग मोर व्लॉग्स एंड ऑल्सो आई ट्राई टू यू नो लाइक मेक दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशनल व्लॉग्स सो दैट आपको भी हेल्प हो.
सो एनीवेज दैट्स इट फॉर द व्लॉग. सी यू गाइस, बाय बाय. थैंक यू.